टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर एंड सुपर नेचुरल शो नागिन 3 को लेकर वैसे तो ढेर सारी खबरें सामने आ रही थी। जी हाँ, खबरें ऐसी भी थी कि इस साल फरवरी में खत्म हो जाएगा नागिन 3, उसकी जगह कोई नया शो आएगा। पर अब खबरें ऐसी आ रही हैं जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। जी हाँ, खबरों के अनुसार अगर हम बात करें तो पहले ये कहा जा रहा था कि सीरियल की जगह टीवी पर कवच 2 की एंट्री होगी, पर कवच 2 में विवेक ताया, मोना सिंह, महक चहल नजर आने वाले हैं। तो वहीं ये खबरें अब झूठी बताई जा रही हैं। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि अब ऐसा कोई शो नहीं आने वाला है। दरअसल सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम बात करें तो अब शो की टीम ने इसे मई तक आगे बढ़ा दिया है। जी हाँ, ऐसा माना जा रहा है कि शो के मेकर्स कवच 2 को IPL के बाद ऑन एयर करने का सोच रहे हैं, जिस वजह से अब नागिन 3 मई में बंद होगा, ऐसा माना जा रहा है। हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक एकता कपूर भी चाहती है कि उनका ही शो 8 बजे का स्लॉट ले जहां और कोई भी शो इसकी जगह ना ले पाए, जो कमाल का है। तो वहीं खबरों की माने तो एकता ने पिछले एक साल 8 बजे के स्लॉट को बुक किया हुआ है, तो अब इसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रही है एकता कपूर। वो शो को खूब अच्छे से आगे ले जा रही हैं। इस शो को हिट होने के चलते वो शो की कहानी को आगे बढ़ाती जा रही हैं, जो कि दर्शकों को भी बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। वेल, इस खुशखबरी के बाद तो फैंस की धड़कनें और भी तेज हो जाएंगी, क्योंकि वो पल्लवी पुरी और सुरभि ज्योति यानी कि बेला माहिर को और भी देख पाएंगे और उनके रोमांटिक सीन्स को एंजॉय भी कर पाएंगे। नेक्स्ट लाइफ से हिमांशी की रिपोर्ट।